जय हिंद, मेरा नाम आशीष। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत जरूरी वीडियो के बारे में बात करूंगा, जो खास करके विंडो 10 के ऊपर जो भी रन करते होंगे। लैपटॉप पे आप देखते होंगे एक कीबोर्ड रखा होगा, उसका नाम रखा होगा यानी की रखा होगा FN। FN की कई बार होता है आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ दिक्कत, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मेरा नाम टाइप करता हूँ ASHISH, आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप किया मैंने आशीष, लेकिन बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे 5 आ रहा है। भाई मैंने तो 5 लेटर को क्लिक नहीं किया, फिर दोबारा करते हैं NAYAK। यहाँ पर देखें नायक NAYAK किया, लास्ट में 2 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? कई बार ऐसे होगा आपके अनजाने में आपके कीबोर्ड दब गया होगा या किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा, इसके चलते आपको दिक्कत हो रहा है। ऐसे नहीं कि वर्ड फ्रेश कर रहे हो और आपको न्यूमेरिक आ रहा है, तो ये बड़ी पंगी वाली बात है। तो इसके सॉल्व करने के लिए मैं आज इस वीडियो में बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ कि कीबोर्ड के अंदर ही एक फंक्शन की आता है जिसके थ्रू आपको ये सारे मैनेज करना होता है। ये जो FN, F2, F1 जो भी ये डिटेल से की है, ये तो ऑलरेडी चलता रहता है, बट विंडो 10 के बाद अक्सर मैंने देखा हूँ कई सारे लैपटॉप या जो भी PC के अंदर एक FN की हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। FN की यहाँ पर देख सकते हो, ये जो की है ये की बड़ा परेशानी क्रिएट करता है। अगर सेम टू सेम देखिए, आशीष लिख रहा हूँ, इसको प्रेस करके ASHISH, यहाँ पर देखिए सारे क्लियर, यानी कि जो डिटेल्स जो है सही तरह एंट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट यहाँ पर ये चीज जो है ये इनेबल हो रखा है, जिसके कारण हमें यहाँ पर टाइप करते टाइम, जैसे NAYAK टाइप करता हूँ, देखो NAYAK लास्ट में जो K लिखा है वो 2 आ रहा है, यानी न्यूमेरिक आ रहा है। ये बड़ा पंगा हो रहा है। जैसे नॉर्मली अब मैं पता नहीं मेरे से या मिस्टेक हुआ या क्या है, गलती से आदमी सीखता है। जब मैं यहाँ पे पासवर्ड देके एंटर कर रहा था अपने लैपटॉप को, हुआ नहीं, फिर मैंने चेक किया तो पासवर्ड गलत ही दब रहे हैं। तो भाई 2 के जगह ये मेरे दब रहे थे यार, स्लैश दब रहे थे। तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगा, मुझे लगा यार इसके ऊपर चेक करना चाहिए क्या चीज है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ इस चीज को मैं ऑफ करना हूँ परमानेंट। तो इसके लिए FN की और शिफ्ट, ठीक है, साथ ही साथ यार नम लॉक, तो ये तीनों चीज को एक ही बार प्रेस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया उस चीज को, तो वही चीज में लिख के दिखा रहा हूँ ASHISH NAYAK। देखो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक साथ में आए नहीं, वर्ड पूरे ही पूरे आए। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर गलती से आप कहीं दूर जाते हो या आपका लैपटॉप कहीं गलती से छूट गया है और आप सोचते हो कि आपके लैपटॉप को कोई ओपन ना कर पाया, जो भी है, आप सिंपल ये चीज अगर अप्लाई करके रख देंगे तो घर में कोई आपके लैपटॉप को छेड़ेगा ही नहीं। उसको समझ नहीं पाएगा कि यार मुझे इसके ऊपर आगे कुछ करना है या नहीं करना है। तो अगर इसको फिर दोबारा इनेबल करने के लिए सेम टू सेम FN की शिफ्ट और नाम लॉक एक बार फिर प्रेस कर दीजिए, फिर मैं लिखता हूँ ASHISH NAYAK। देखिए इसके अंदर न्यूमेरिक 2 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा पंगा क्रिएट होता है। तो प्लीज आप इस टाइप का चेक करना, अगर गलती से आपका कुछ हुआ हो तो इस टाइप का सेट करके आप कर सकते हो, जो फंक्शन की को मैनेज कर सकते हो। हाँ, अगर जिनके जिस कीबोर्ड के अंदर या लैपटॉप पे या उनके साथ ये FN की नहीं दिया हुआ, तो बायोस मोड में जाके सेट कर सकते हैं। तो वो चीज आप कमेंट करके बताओगे, मैं नेक्स्ट का भी वीडियो, अगर मेरे पास अगर PC होता तो मैं बायोस मोड में सेट करके बता देता। तो बायोस मोड के थ्रू होता है, आप गूगल वगैरह सर्च कर लोगे, शायद उसका ट्रिक आपको पता चल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप इस टाइप का इशू क्रिएट होता है कभी आपके लैपटॉप या PC में? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे ना मेरे साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।